Assalamualaikum, you guys, and welcome back to my channel. I'm Khadija. If you did not know that already, it's that time of the month again, बल्कि the week. क्योंकि हमें करनी है जरा सफाई कटाई. So I figured इस दफा फसल का ख्याल रखते हुए मैं आप लोगों के साथ करूँ ये, ताकि आप लोगों को भी दिखाऊँ. Since everybody is at home right now, कोरोना से पहले की दुनिया में भी मैं घर पे कर लेती थी, लेकिन मैं शेयर इसलिए नहीं करती थी बिकॉज पीपल भी लाइक खदीजा ये 100 रुपये दे के तुम पार्लर से करा सकती हो तो हम क्यों करें घर पे. बट नाउ दैट एवरीबडी इज़ एट होम, आई फील लाइक दिस इज मच मोर वैलिड कॉन्टेंट राइट नाउ. तो आप लोगों को शायद इससे फ़ायदा हो अगर आप नहीं जा रहे पार्लर्स, विच आई एम नॉट इन फेवर ऑफ राइट नाउ, क्योंकि मुझे मेरे लिए सेफ नहीं लगता. बट सी फॉर योर सेल्फ, बट अभी भी हमें ख्याल रखना चाहिए और हमें रखना पड़ेगा एक दो साल तक. विद दैट बींग सेड, लेट्स जस्ट जम्प राइट अहेड. मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपनी फेशियल ग्रूमिंग किस तरह करती हूँ घर पर बैठे हुए. तो सबसे पहले आपको औजार बता देते हैं कि कौन कौन से चाहिए होंगे. मेन जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं जो हर घर के अंदर आपको मिल जाएंगी, एक छोटी सी सीजर, प्लकर्स और थ्रेड. इसका पिंक होना बहुत ज़रूरी है, ऑफकोर्स नॉट. एक्स्ट्रा जो चीज़ें अगर आपके पास हों तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो है पाउडर, क्योंकि आपकी स्किन ऑयली सी हो रही होती है या जैसे गर्मियाँ हैं पसीना वगैरह आ रहा होता है, उसके लिए यू नीड सम पाउडर. मे बी टिश्यू सम ऑन हैंड. आई यूज़ दिस ट्रिमर फ्रॉम वीट. दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे. आई वर्क विद दैम लाइक 2 ईयर्स अगो और तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. सो दैट्स वाई आई शोड इट इन माई इंस्टा स्टोरी वन टाइम एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक ये क्या है, रिव्यूज़ बताएं, रिव्यूज़ बताएं. दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड. इफ़ यू गेट अनॉयड बाई एनी मैंशन ऑफ एनी थिंग, आई एम सो सॉरी, लेकिन दिस इज वॉट आई यूज. सबसे पहले शुरू करते हैं आईब्राउज से. आईब्राउज मेरे इतने बुरे नहीं हुए हुए अभी कि मैं आप लोगों को कोई बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीक ही किए थे. सो विथ माई अपर लिप्स आई नीड टू डू दम एवरी सिंगल वीक, लेकिन फॉर माई आईब्राउज आई नीड टू डू दम लाइक एवरी 15 डेज. 15 डेज तक काम चल जाता है हमारा. सो व्हाट आई गोना डू इज टेक सम पाउडर आउट, मेक श्योर कि ये सारा का सारा एरिया ड्राई आउट हो जाए. सही है. Now I don't have any product on my eyebrows. Of course I have it on the rest of my face, लेकिन eyebrows के ऊपर नहीं है. तो जो areas already tight होते हैं मैं उन areas के ऊपर thread से ही चली जाती हूँ, like this area, right here and things like that. लेकिन under hair sometimes I either ask my mom, मैं मम्मी को कहती हूँ कि इस तरह पकड़ लें, क्योंकि obviously अब मैं इस तरह पकड़ के तीसरा हाथ कहाँ से लाऊँ. Some people say like इस तरह measure करते हैं elbow तक. आई डोंट नो, मैं अंदाजे के हिसाब से करती हूँ, बट मे बी दिस माइट वर्क इज वेल. ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे कर देना टाई. मैं इस तरह बता रही हूँ जैसे किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने थ्रेडिंग का कभी जिंदगी में नहीं सुना हुआ. सो इफ यू नो दीज थिंग्स, गुड फॉर यू, लेकिन मे बी दीज माइट बी हेल्पफुल फॉर समवन एल्स. उसके बाद आपके पास आ गया ये लूप, एंड देन यू गोइंग टू ट्विस्ट इट लाइक दैट. सो दिस इज योर हैंड, ट्विस्ट इट लाइक दैट एंड लाइक दैट. तो 3-4 दफ़ा ये आप कर लो ताकि आपका धागा अच्छा सा यू नो फ्लुएंट हो जाए. सो आई एम जस्ट गोना गो राइट इन. लेट मी ज़ूम यू गाइस. आई गो इन द यूनिब्राउ सिज एंड जस्ट टेक दिस ऑफ. मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा बुशी हैं, दे ग्रो अप टू लाइक यहाँ तक ग्रो करते हैं और यहाँ तक ग्रो करते हैं. सो दैट्स अ प्रिटी डिफिकल्ट सिचुएशन टू कीप नेचुरल, बट इफ यू हैव नेचुरली लाइक शेप इन ब्राउज, यू आर जस्ट सो लकी. सो ये धागा मेरे लिए थोड़ा सा लंबा है. सही है, बीच में से ज़रा इसको हम. मेरे सामने मैग्नीफाइंग मिरर पड़ा हुआ है और मुझे अजीब सा हो रहा है कुछ आंखों में. सही है, जस्ट बी केयरफुल, डोंट ओवर प्लक. आई हैव अ लिटिल हैक फॉर यू. व्हाट यू गोइंग टू नीड इज दिस वाइट पेंसिल एंड यू कैन टेक अ स्केल और समथिंग लाइक दैट. मेरे घर में कोई स्केल नहीं है. व्हाट आई डिड इज आई जस्ट टुक दिस साइड ऑफ, इसको क्या कहते हैं, पतरा कहते हैं, है ना. तो इसको आप ले लो एंड जस्ट सॉर्ट ऑफ पुट अ लाइन ऑन दिस. सही है, वेयर द स्ट्रेट लाइन इज. समटाइम्स आई लाइक टू गो इन विद अ प्लकर और जो भी चीज़ जिसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल लग रहा हो. एज आई सेड कि मेरी इतनी ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं हुई भी, सो आई फील मच मोर इन कंट्रोल व्हेन आई यूज अ प्लकर्स. रेजर और समथिंग लाइक दैट हेयर इज वेल, लेकिन आई फील लाइक रेजर से और इस तरह की चीज़ों से यहाँ पे जल्दी बाल निकल आते हैं एंड आई डोंट वॉन्ट दैट, बिकॉज यहीं पे जब बाल होते हैं ना तो आप ऐसे मैसी सी लुक होती है आपके आईब्राउज की. सो आई जस्ट डोंट वॉन्ट दैट, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं एक दफ़ा मेहनत कर रही हूँ तो फिर थोड़ा लास्ट करें वो चीज़.
अच्छा एक और बात भी साथ साथ आप लोगों को बताती चलूं अबाउट लाइक माय फेशियल हेयर सॉर्ट ऑफ जर्नी. मैंने पहले कभी भी वैक्स या रेजर नहीं यूज किया अपने स्किन के ऊपर लाइक स्पेशली ऑन दीज एरियाज. वैक्स तो मैं करवा ही नहीं सकती, मुझे बहुत ज्यादा मेरी पेन टॉलरेंस काफी ज्यादा है लेकिन आई जस्ट कांट टेक इट ऑन माय फेस. और मेरी स्किन काफी सेंसिटिव भी है तो मैं जब भी वैक्सिंग या थ्रेडिंग कराती थी इवन मेरे फॉरहेड पे तो इतने ज्यादा छोटे 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 से बम्स हो जाते थे एंड नथिंग वुड हील देम. और बाय द टाइम वो सही होते थे तो नेक्स्ट थ्रेडिंग का सेशन आ जाता था एंड इट जस्ट गॉट टू अ पॉइंट आई वाज लाइक कि मुझे नहीं करवाना अब. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू अप अंटिल लाइक लास्ट ईयर वाज आई यूज्ड टू ब्लीच द पैरामीटर ऑफ माय फेस लाइक ये वाला एरिया सारा एंड चिन एंड माय नेक एज वेल. तो मैं ये करती थी लेकिन उसके बाद मैंने पिछले अक्टूबर में आई स्टार्टेड टू गेट माय लेजर डन. नाउ द लेजर आई वाज गेटिंग डन इज कॉल्ड रेवलाइट और वो सिर्फ ग्लो के लिए होता है, इट डजंट डू अ लॉट फॉर योर हेयर. एंड द प्लेस आई वाज गेटिंग इट डन फ्रॉम दे सेड कि आप एक दो महीने करवाएं एंड सी इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन योर स्किन या आपके बालों की ग्रोथ के अंदर डिफरेंस आ रहा है या नहीं. बिकॉज दे वरंट श्योर इफ आई हैड लाइक बहुत ज्यादा थिकनेस वाले बाल या बहुत ज्यादा थिननेस वाले बाल, क्योंकि मैंने कभी वैक्स नहीं किया था, कभी रेजर नहीं किया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरा. तो दे वर जस्ट लाइक लेट्स डू इट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड लेट्स सी कि कोई डिफरेंस आता है. तो लेजर आप महीने में एक ही दफा कराते हो और मैंने 3 महीने रेवलाइट कराया एंड आफ्टर द थर्ड मंथ पूरा महीना गुजर गया एंड देयर वाज फुल ग्रोथ ऑन माय फेस एंड आई वाज लाइक एक ही महीने के अंदर लाइक इट डिडंट इवन डिले. आई वाज लाइक क्या सीन है ना, मतलब क्यों नहीं कम हो रहे. तो उसके बाद दे वर लाइक अच्छा आप कैंडला कराना शुरू करो. तो फेब्रुअरी वॉज द मंथ जिसमें मैंने पहला अपना कैंडला का सेशन कराया था और उसके बाद आई वेंट टू बाली और उसके बाद कोरोना आ गया तो सीन बंद हो गया है उसके बाद से. सो आई हैवंट टच्ड माई फेशियल हेयर एट ऑल उसके बाद. आई एम ऑन द वर्ज नाउ कि मैं ब्लीच कर लूँ दोबारा से बट आई जस्ट नेवर वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट ऑन माई चैनल बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू प्रमोट लाइक वाइटनिंग टू यंग गर्ल्स हु आर वॉचिंग मी बिकॉज लाइक दैट्स नॉट द रीज़न वाई आई यूज टू यूज ब्लीच. सही है, मतलब एक सीधी सी जो बात है दैट्स नॉट द रीज़न वाई. आई जस्ट हैव रियली डार्क हेयर. I think you guys can see it here as well and it has been my insecurity for all of my life. I feel like I'm a bit more comfortable with that but still people have a way of getting to your head. अच्छा आई जस्ट चेक और मेरे पास ये ब्लीच अब पड़ी हुई नहीं है. तो दिस इज़ द ब्लीच दैट आई यूज़ जो मेरी स्किन को सूट करती है और मैं करती ये हूँ कि जो भी इनकी डायरेक्शंस होती हैं मिक्स करने की और जो पाउडर आपने मिक्स करना आई पुट इन लाइक हाफ अ टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल इन इट जस्ट टू मेक इट अ लिटल बिट मोर सूदिंग और वो स्किन को इतनी बुरी तरह जलाती भी नहीं है, बाल बहुत ज़्यादा चिट्टे नहीं करती फिर और स्किन पर भी कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आते. सो आई फील लाइक दैट हैज़ बिन द बेस्ट थिंग फॉर माई स्किन. मुझे और कोई ब्लीचेज नहीं पसंद. आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, आई एम नॉट आस्किंग एनीवन टू डू इट. I'm just letting you guys know कि मैं ये वाली यूज़ करती हूँ. इन केस आप ऑलरेडी कोई ब्लीच यूज़ कर रहे हो, आपकी स्किन को हार्म कर रही हो, तो दिस इज द वन आई प्रेफर. एंड यू कैन डू दिस हैक विद एनी अदर क्रीम एज वेल. इफ यू डोंट डू इट दैट्स अमेजिंग बट इफ यू हैव टू डू इट या यू फील लाइक डूइंग इट दैट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट दैन दिस इज द वन आई यूज. नाउ आई एम ट्रिमिंग माई ब्राउज. इस पॉइंट पे आप स्पूली यूज़ करके भी अपने आईब्रोज को ब्रश आउट कर सकते हो ताकि वो थोड़े से ऊपर हो जाए बट ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी जो सिजर है इट्स हेल्ड हॉरिजॉन्टली या थोड़ी सी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कभी भी नहीं होनी चाहिए. अदरवाइज यू आर गोइंग टू कट अ चंक आउट ऑफ योर आईब्रोज एंड इट्स गोइंग टू लुक रियली बैड. बट स्पेशली बींग इन दिस कम्युनिटी जहाँ पे मेकअप और इस तरह की चीज़ें सारी होती हैं, It's easy to get intimidated by perfect looking people all the time. If that is someone else's standard of beauty, it's okay agar unke hisab se I'm not beautiful. But I will do whatever makes me feel comfortable and I feel like that is the kind of message that I wanted to hear for myself when I was younger and I wasn't the prettiest looking. I didn't know anything about makeup. So I feel like that is the reason why I have all of my channels to show you guys ke if you want to do anything like that, like makeup karna hai karo, लैशेज लगाने हैं लगाओ, नेल्स लगाने हैं लगाओ, बट दैट शुड नॉट डिफाइन यू एज अ पर्सन. दैट नीड्स टू बी प्रमोटेड मोर इन आर कम्युनिटी के मतलब जो भी बंदा जो भी कह रहा है अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए इट्स देयर ओन चॉइस लेकिन दैट शुडंट बी द स्टैंड ऑफ ब्यूटी. आई एम गोइंग ऑन अ रैंट हियर. आई एम जस्ट गोइंग टू थ्रेड माई अपर लिप्स नाउ क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे नहीं पता अपर लिप्स इतनी ज़्यादा क्यों ग्रो करते हैं. मतलब मैं अपने अपर लिप्स 10th grade से बल्कि 9th grade से प्रॉब्ली थ्रेड करी हूँ या प्रॉब्ली उससे भी पहले से थ्रेड करी हूँ. देयर स्टिल नो वे दैट दे आर स्लोइंग डाउन. तो मैंने दोबारा से अपना धागा बना लिया है नया धागा और अब मैं अपने अपर लिप्स करने लगी हूँ. अपर लिप्स में आपने ये करना है कि यू गोइंग टू पुट योर टंग अंडर योर upper lips and some people do it like this too aise karke lekin mujhse nahi hota. So I just put my tongue under there and whiz away.
अच्छा, जब तक आप मेरी शक्ल पे ये दर्द का समा देख रहे हैं, जस्ट वांटेड टू क्लियर आउट इन केस किसी को ये ना लगे कि किसी को बैश करने की कोशिश कर रही हूँ, दैट्स नॉट माई इंटेंशन एट ऑल. वट आई जस्ट मीन इज़ के अक्सर औकात हम औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं ब्यूटी के, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग वेल एंड गुड, आप करो, आपका दिल कर रहा है, आपको दिल से खुशी होती है, लेकिन किसी को आपको उसके बारे में जज नहीं करना चाहिए अगर आप कोई चीज़ करते हो या नहीं करते हो. दैट इज़ योर चॉइस. और हमें अपने अंदर से ही शुरू करना पड़ेगा टू स्टार्ट बीइंग काइंड. अगर हमने किसी को देखा है उन्होंने अपर लिप्स नहीं बनाए हुए, तो ये मत बोलें कि ओ मूछे तो देखो अपनी, बिकॉज मे बी वो सेंसिटिव हो इस बारे में. इट्स 2020, हमें पावरफुल होना है, हमें स्मार्ट होना है, और हमें दुनिया में आगे बढ़ना है. समथिंग आई वॉन्टेड टू से. आई वॉज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग लाइक माई लेजर जर्नी विथ यू गाइज, बट didn't really go as planned. So hopefully जब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, I'll go back to getting candela और फिर मेरे बाल ख़त्म हो जाएंगे most probably, inshallah. All right, upper lips are done and I'm looking a lot cleaner already. Obviously पूरे facial hair का मसला है, तो I also have quite a few chin hair. पहले मुझे एक दुक्का मोटे बाल निकलते थे and other was just peach fuzz. But I don't know what really caused it, क्योंकि मैंने नहीं सुना कभी किसी को ब्लीच से बाल बढ़ना शुरू हुए हों. But I just started to get darker patch of hair in this area. अब ये जो patch, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह define करूँ. एक होता है आपका peach fuzz, ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं, and then you have like जो thicker, जो एक आधा बाल मोटा सा निकल रहा होता है, and you just pluck it out, सही है. And then this patch of hair, like it's so weird, it's just here. And this patch of hair is like middle में ना, उसकी intensity बीच की है बिल्कुल. तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका और क्या करूँ. सिंस गेटिंग माई लेज़र डन, मेरे फेस पे रेजर्स और ट्रिमर्स यूज़ हो ही रहे थे, सो आई फिगर्ड वाई नॉट यूज़ ट्रिमर ऑन माई चिन एज वेल ऑन दिस पैच ऑफ हेयर. सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग. मैंने इसको, इसका जो छोटा वाला साइड है, मैं अब ये यूज़ करती हूँ एंड जस्ट टू गेट रिड ऑफ द क्वाइट डाउन, बट मैं इसको ये यूज़ करती हूँ. Alright, we are all cleaned up to the extent that I want to be clean. I hope this video was helpful to you in some way. It feels really good to know what other people are using on their face. So I hope you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, don't forget to give it a huge thumbs up and subscribe to my channel if you have not already. I'll see you guys in my next one very, very soon. Till then, take care. Bye.